जी नमस्कार। अभी हम हैं वीवीगंज में और वीवीगंज में महारत क्लासेस हैं और महारत क्लास से बच्चे तैयारी करके जाते हैं और कुछ बच्चे भी हैं जो हम उनसे भी बातचीत करेंगे और हमारे साथ राहुल सर हैं और राहुल सर से बात करेंगे कि सी टेट का तैयारी का अभी कितना दिन बचा हुआ है और जो कम समय बचा हुआ है उसमें कैसे तैयारियां कर सकेंगे बच्चे। तो या ऑनलाइन तैयारियां करते हैं तो कैसे करना चाहिए और ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो कैसे करिएगा, तो यह राहुल सर के जुबानी आपको मिलेगा। चलिए सर से हम बात करते हैं। सर, अरविंद स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहला सवाल है कि बच्चा यहाँ तैयारी करते हैं, वह बच्चा तैयारी करते हैं तो आप किस तरह से तैयारी कराते हैं? देखिए, एक्चुअली क्या है कि सबसे पहले तो हम लोग नोट्स को उनको लिखवाते हैं, फिर उनको ज़्यादा समझाते हैं, एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, उसके बाद हम लोग एक सेट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करते हैं। सेट प्रैक्टिस में उस तरह से होता है कि एक सेट बनाने में स्टूडेंट को कम से कम 5 घंटे का समय देना होता है, उसके बाद ही जाके वो एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जो एग्ज़ाम के लिए वो प्रिपेयर होते हैं, फिर वो एग्ज़ाम देते हैं और रिज़ल्ट आता है। अच्छा, जो बच्चे यहाँ आते हैं और पढ़ते भी और पढ़ते हैं तो वह उबाऊ शिक्षा तो नहीं देते हैं कि बच्चे को उबाऊ लगे? ये तो स्टूडेंट ही बताएंगे कि उबाऊ लगता है या एंटरटेनिंग क्लास है। अच्छा, तो अगर बच्चे आते हैं संतुष्ट होके भी जाते हैं, चलिए आपका कहना सही है, लेकिन संतुष्ट होके जाते हैं तो आप जो शिक्षक यहाँ पे हैं वह कितना कितना मिनट एक शिक्षक को है? देखिए, एक्चुअली टाइम का जो ड्यूरेशन है सब्जेक्ट वाइज कितना समय देना है वो टीचर के ऊपर हम लोग निर्धारित करते हैं, वो उनके ऊपर फ्री करके रखे हैं कि आपको पढ़ाना है जब तक बच्चे संतुष्ट ना हो। क्लास से आप नहीं निकल सकते हैं, वो 1 घंटा लग जाए, 1.5 घंटा लग जाए। अच्छा, ऐसा है। और अभी तक ऐसा कोई हुआ भी नहीं है वाकया कि हाँ कोई कह दे कि सर आपका पढ़ाया हुआ नहीं समझ में आया या किसी टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आया। जो आते हैं ऑलमोस्ट रुक ही जाते हैं, कोई जाते तो है नहीं। चलिए, अब तैयारियां कैसे करें और कम दिनों में, हमने यह पूछा है और भले सर से सवाल भी करेंगे कि तैयारी बच्चे कैसे करें 3-4 महीने में। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप NCERT पर फोकस करें, NCERT ही बेस है, NCERT के अकॉर्डिंग ही सारा क्वेश्चन आएगा। NCERT से आप CDP नहीं सही कर सकते, ये फोकस रखना है। NCERT से आप EVS सेक्शन अच्छा कर सकते हैं, NCERT से थोड़ा बहुत लैंग्वेज अच्छा कर सकते हैं या सोशल साइंस या साइंस अच्छा कर सकते हैं, बट एक CDP जो पेपर है, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोगी, एक प्रॉपर किसी एक जानकार शिक्षक के मार्गदर्शन में ही पढ़ें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि एक अथाह समुद्र है जी, है ना, सागर से गागर चुनने वाली बात है, सागर से मोती निकालने वाली बात है, तो वो आप खुद प्रयास करेंगे तो आपको सालों लग जाएगा। एक अनुभवी के पास अगर आप जाते हैं वो कम समय में आपको डायरेक्ट मोती लाकर दे देगा, वही काम हम लोग करते हैं। तो इस चीज़ के लिए आप रिस्क न लें, CDP के लिए रिस्क नहीं लें, वो सेल्फ स्टडी का चीज़ नहीं है, वो किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ उसके मार्गदर्शन में रह के पढ़ने का चीज़ है। सर, आप सागर से मोती निकालते हैं या अकेले निकालते हैं, अपने टीम के साथ निकालते हैं? देखिए, अकेले तो चना भार नहीं फोड़ता है, जब तक एक टीम नहीं है तब तक होगा नहीं, और इस टीम में स्टूडेंट भी हैं, इस टीम में टीचर भी हैं। जी जी। और NCERT का जो बुक है वह बुक रीड करना अच्छा है कि आप जो नोट्स दीजिएगा वह अच्छा है? देखिए, ऑब्वियसली जो मेरे पास नोट्स है वो तो NCERT बेस्ड है, जिनको जो मतलब सक्षम नहीं है यहाँ आके पढ़ना तो उनके लिए NCERT बुक पढ़ना ठीक है, बट उसमें भी वही समस्याएं आएंगी कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। जी जी। अच्छा। तो इस सबसे अच्छा होगा कि अगर आप आते हैं हमारे यहाँ, अगर आते हैं तो आपको वो सारा मटेरियल मिलेगा जिसमें छोड़ना क्या है वो ऑलरेडी इसमें मिलेगा ही नहीं कि आपको छोड़ने की नौबत आएगी, क्या पढ़ना है वो सारा चीज़ इसमें मिलेगा। अच्छा। और बच्चे 6 महीना का कोर्स है और बच्चे के लिए अभी 3 महीना का समय बचा हुआ है, तो बच्चा 3 महीना में कैसे तैयारियां करेगा ऑनलाइन? देखिए, ऑनलाइन वो भी इजी है, ऑफलाइन भी इजी है, बट ऑनलाइन से ज़्यादा बेटर ऑफलाइन होता है ऑलवेज, जो भी पढ़ते हैं उनको पता है। तो 3 महीना जो समय है वो बहुत ज़्यादा समय है, आराम से तैयारी हो जाएगी। सिंसियरली कम से कम 2 से 3 घंटा आपको देना पड़ेगा, रिजल्ट 100% आएगा। तो सुने आप लोग, आइए महारत क्लासेस में और पढ़िए और आपका रिजल्ट 3 माह में आएगा ही, और रिजल्ट का गारंटी भी है यहाँ पे।
तो सर आप जो पढ़ाते हैं बच्चे को, क्या आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर? देखिए मेरे पास एक्चुअली सारा सब्जेक्ट पढ़ा देता हूँ, लेकिन अब है कि जैसे शाखाएं बढ़ती हैं वैसे अकेले चना भार नहीं फोड़ने वाली बात है। अब सारे सब्जेक्ट के टीचर आ चुके हैं। बेसिकली चाइल्ड डेवलपमेंट अभी मैं देखता हूँ और SST भी देख लेता हूँ कुछ कभी कभी, EBS वगैरह जो भी बच्चे पढ़े होते हैं उसे पूछने का काम मेरा ज़्यादा होता है, उनको याद कराने का मेरा ज़्यादा होता है ना, ये सब चीज़ें हैं। अच्छा सर, आपका यहाँ जो पढ़ाए हुए हैं रिजल्ट जो है उसमें सबसे हाई स्कोर कितना है? 142 आया था। 142 आया था। अच्छा, जो 142 यहाँ से आया था, और आप ऑनलाइन नहीं करके ऑफलाइन में भी कर सकते हैं? अच्छा, बहुत ऐसे हैं जो कहते हैं कि ऑनलाइन हम पढ़ रहे हैं और उनका रिजल्ट भी नहीं आता है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए एक्चुअली ऑफलाइन में क्या होता है कि ऑफलाइन में पढ़ाने वाला सिर्फ कैमरा पर फोकस करता है जी, ठीक है, उनके पास ये नहीं होता है कि कौन सा स्टूडेंट समझ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं। फेस रीडिंग का एक्सपीरियंस वहाँ पर काम नहीं आता है, क्योंकि टीचर के पास सबसे बड़ा जो उसके पास पावर है वो है उसका फेस रीडिंग, कौन बच्चा समझा नहीं समझा वो समझ के वो अपने आइडिया को बदल सकता है, तुरंत कॉन्सेप्ट बदल के पढ़ा सकता है, टेक्निक बदल सकता बच्चे है। बच्चे के लिए आप लास्ट संदेश क्या देना चाहते हैं? देखिए सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने गुरुजनों पर विश्वास रखिए, कोई भी शिक्षक गलत नहीं पढ़ाता है जी जी, है ना। हाँ, बशर्ते कुछ अनुभव की कमी होती है जिस वजह से वो कुछ गलत बता भी दे या फिर वो भी, तो यहाँ पर आपको पकड़ना है कि भाई मेरे लिए कौन सा बेटर कोचिंग है, कौन शिक्षक मेरे लिए ज़्यादा अनुभवी हैं, जिनके पास जाने से मेरा फ़ायदा हो, मेरा रिजल्ट है, मेरा भविष्य उज्ज्वल हो, तो ये पहले आप फोकस करें। सब जगह ट्रायल करके आप देख सकते हैं, आपके पास तो फ्री आप हैं, कहीं भी आप जा सकते हैं, पढ़ के देखिए, जहाँ आपको समझ में आता है आप वहीं पढ़ें, वही शिक्षक आपके लिए बेस्ट होंगे।